तो सियासत का सुपर संडे आज अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। राहुल गांधी का भी जिक्र करते हैं हम यहाँ पे, राहुल गांधी का भी वायनाड दौरे का दूसरा दिन है आज। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करेंगे आज मल्लिकार्जुन खड़गे। तो देखिये, चार बड़ी हस्तियां, चार बड़ी शख्सियत सियासत की, अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर है अमित शाह, वायनाड के दौरे पर हैं राहुल गांधी, बंगाल के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। तो एक तरह से आप समझ लीजिए 2024 के चुनावों का आगाज हो चुका है, तैयारियां तमाम पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोलकाता दौरे का ये दिन है। आपको बता दें कि इस दौरान कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की है। तो मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, वहां पर उन्होंने मां काली की पूजन की है। यहां पर देखिए किस तरह से नतमस्तक नजर आ रहे हैं मां काली के सामने जेपी नड्डा। तो वेस्ट बंगाल के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और उनके दौरे का आज दूसरा दिन, और पहुंचे हैं आज के दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ऐसे प्रेरणा स्थली पर माँ का आशीर्वाद लेने का मौका मिला, माँ से मैंने प्रार्थना की, कामना की कि मुझे, मेरे साथियों को, मेरी पार्टी को आप शक्ति, ऊर्जा, ताकत प्रदान करें ताकि हम पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माँ भारती की सेवा में पूरी ताकत से लगें और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, नहीं सिर्फ भौतिक रूप में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी जो भारत का स्थान रहा है वो और आगे बढ़े